G20 की बैठकों की मेजबानी करने के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी 26 जुलाई को इस परिसर का उद्घाटन करेंगे। लगभग 123 एकड़ के विशाल परिसर के साथ प्रगति मैदान परिसर भारत में बैठकों, कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध होने वाला सबसे बड़ा केंद्र है। इस परिसर ने दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन सेंटर्स में अपनी जगह बना ली है, जो जर्मनी में हनोवर प्रदर्शनी केंद्र, शांघाई में राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर जैसे बड़े नामों को टक्कर देता है। इस कन्वेंशन सेंटर में 7,000 लोगों के बैठने की बड़ी क्षमता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित और भव्य सिडनी ओपेरा हाउस की लगभग 5,500 की बैठने की क्षमता से भी बड़ा बनाता है। ये वैश्विक स्तर पर मेगा सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सांस्कृतिक समारोहों की मेजबानी के लिए एक उपयुक्त जगह के तौर पर उभर कर सामने आया है। यहाँ 3,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्फीथिएटर भी है। सामूहिक रूप से 3 PVR थिएटरों के बराबर ये भव्य एम्फीथिएटर मनमोहक प्रदर्शन, सांस्कृतिक शो और मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए मंच प्रदान करता है। साथ ही यहाँ 5,500 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। और प्रगति मैदान परिसर ने दुनिया के टॉप 10 कन्वेंशन परिसर में अपनी जगह बनाई है। क्या नजरिया है कलाकारों का इस परिसर को लेकर, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने कलाकार रूप चंद के साथ। प्रगति मैदान परिसर बनकर तैयार हो चुका है, किस तरह का केंद्र देखते हैं लोग, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार रूप चंद जी। सर, किस तरह देखते हैं ये? सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये इंटरनेशनल जो अपना कन्वेंशन सेंटर है, अपने आप में एक भव्य इमारत हम देख पा रहे हैं। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, और इस प्रकार से कि एक जो प्रोग्रेसिव इंडिया है, जो उसके आधार पर जो आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता जो रूप हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने देश विदेश की बहुत सी यात्राएं की हैं, और जर्मनी में भी मैंने जो है एक जो रॉयल पैलेस म्यूजियम है वहाँ पर मेरी एक लॉन्गेस्ट पेंटिंग लगी थी वहाँ पर। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए, इसका जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, करीब 7,000 से ज़्यादा जो यहाँ पर मतलब जो है विजिटर्स आएंगे, यहाँ पे एग्जिबिट करेंगे, डिफरेंट तरह के सेमिनार्स होंगे, डिफरेंट तरह के आर्ट एग्जिबिशंस होंगी। तो कलाकारों के लिए किस तरह से देखते हैं, किस तरह का मंच मानते हैं, क्योंकि अब तक आप लोग विदेशों में प्रदर्शनी लगाते थे, अब भारत में इस तरह का तैयार हुआ है? जी जी, यकीनन भारत में अगर देखा जाए तो पहले देश विदेश में हमारी यात्राएं रहती थी, हम डिफरेंट तरह के एग्जिबिशंस करते थे, और यहाँ पर अब वो साक्षात एक ये भव्य इमारत यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूरे देश विदेश से यहाँ पर जो है कलाकार आएंगे, अपनी कलाकृतियों की यहाँ पे प्रदर्शनी करेंगे, और ये हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो प्लेस है, भारत सरकार जो है हम सब कलाकारों को यहाँ पर समय समय पर पहले भी मौका देते रही है, पर इस प्रदर्शनी यहाँ पर आकर हमारी प्रदर्शनी लगे, और जो कुछ दूर दराज के जो कलाकार हैं, कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी ये यहाँ पर मंच मिले, और अगर यहाँ पे कुछ उसका जो है अगर मेहनताना कुछ पैसे हैं तो वो भी मेरे ख्याल से उनके लिए या तो फ्री रहे या फिर बहुत ही कम पैसों में इसे अगर दिया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्साह की बात रहेगी। आप ये किस तरह की प्रदर्शनी, ये किस तरह की आप पेंटिंग लेकर आए हैं, क्या दिखाने का प्रयास किया है आपने? जी, ये जो पेंटिंग है, मैंने आत्मनिर्भर भारत को इसमें जो दिखाया, मोदी जी का जो सपना था, और वो उसी साक्षात पीछे हम देख रहे हैं साक्षात पूरा हो रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया का सिंबल है, गांधी जी ने उस हिसाब से शुरुआत करते हुए, और आज हम जो है चांद पर भी पहुंच गए हैं, डिफरेंट तरह के अपने आप देख सकते हैं, हमारा जो है जल थल वायु सेना हर जगह हमारा जो है मेक इन इंडिया का जो सामने हम ये आप दिखा सकते हैं। तो उस पेंटिंग के जरिए मैंने ये प्रयास किया दिखाने के लिए कि किस तरह से हम जो है भारत में हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो नारा है उसको हम एक साक्षात भी साथ में लेते जो चल रहे हैं। तो ये जो पेंटिंग मैंने बनाई है, ये आदरणीय मोदी जी को जो है मैं जल्द ही जो है उन्हें गिफ्ट करने वाला हूँ। तो ये थे रूपचंद जी जो कलाकार हैं, और रूपचंद जी की ही तरह बहुत से देश में कलाकार ऐसे हैं जो इस परिसर को देखकर काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वैश्विक स्तर का इस तरह का ये सेंटर बनाकर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैमरामैन राहुल के साथ गिरीश निशाना, DD News दिल्ली।
और हमारे साथ इस वक्त खुद गिरीश निशाना तालसा आपके साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से और आपके पीछे हम देख भी रहे हैं वो ITPO कॉम्प्लेक्स, जिस तरह से भारत का कद न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि ये आज के वक्त की ज़रूरत भी थी, एक मांग भी थी कि इस तरह का कन्वेंशन सेंटर जो कि वर्ल्ड क्लास का हो वो होना चाहिए भारत के पास, और वो बिल्कुल बनकर तैयार है। जी बिल्कुल असीम, जिस तरह से लंबे समय से मांग थी कि इस तरह से भारत के अंदर भी इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं कहें कि कल उसका पूरी तरह से उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। कुछ देर पहले मेरी कुछ युवाओं से भी बातचीत हुई थी, तो उनका यही कहना था कि मोदी हैं तो मुमकिन है, यानी कि जो वो बात बोलते हैं वो पूरी करके दिखाते हैं। और वो जो ग्राउंड के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। करीब 123 एकड़ के अंदर इसको बनाया गया है। मेरे कैमरा सहयोगी राहुल चोपड़ा से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कितना भव्य इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। 123 एकड़ में फैले इस कन्वेंशन सेंटर के आसपास का जो इलाका है वो देखने लायक है अजीम अपने आप में। यहाँ पर जगह जगह फव्वारे लगे हुए हैं, अलग अलग पेड़ पौधे लगाए गए हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। यानी कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विदेशी मेहमान भारत आएगा और यहाँ प्रगति मैदान आएगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि अपने आप में इतना सुंदर, इतना भव्य कन्वेंशन सेंटर भारत में उन्हें देखने को मिलेगा। यहाँ खास तौर पर ये जो पीछे मेरे पीछे कन्वेंशन सेंटर है, इसके तीसरे तल के ऊपर 7000 की कैपेसिटी है, जिसमें 7000 दर्शक एक साथ कार्यक्रम देख सकते हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा, यहाँ बहुत सी बैठकें होंगी, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन का स्थल ये बन चुका है। और दुनिया की नज़र कल इसके ऊपर होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा, मैं इस जगह मौजूद हूँ जहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मंडी हाउस साफ दिखाई देता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट यहाँ से नज़दीक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। मंडी हाउस का यह दूरदर्शन भवन हमारी जो इमारत है वो इस कन्वेंशन सेंटर से देखी जा सकती है। जो हमारी दूरदर्शन भवन की बिल्डिंग है, इमारत है, उसको आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ नज़दीक की जो तमाम मंडी हाउस की इमारतें हैं वो यहाँ से साफ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का नज़ारा भी अपने आप में देखने लायक होगा। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य सेंटर का उद्घाटन करेंगे, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, एक ऐतिहासिक दिन होगा तमाम भारतीयों के लिए। और भारतीयों को गर्व करने की भी बात है, क्योंकि इस तरह का कन्वेंशन सेंटर केवल विदेशों में देखने को मिलते थे, अब जो है भारत के अंदर भी इतना भव्य कन्वेंशन सेंटर लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो विदेशी मेहमान हैं, जो विदेशी प्रदर्शक हैं, वो अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, जो बड़े बड़े कार्यक्रम हैं, बड़ी बड़ी जो बैठकें होती हैं वो यहाँ आयोजित होंगी। असीम, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य तरीके से इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया, जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी खुद उद्घाटन करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को ITPO कॉम्प्लेक्स से हम तक पहुंचाने के लिए।